अपराधी कितना ही बड़ा अपराध कर दे मगर वो कानून से बचकर भाग नहीं सकता, बशर्ते पुलिस सही विवेचना करे। चंदौसी में बीजेपी नेता को गोली मारने के केस में पुलिस ने पहले बड़ी गलती कर नामजद निर्दोषों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों तक पहुंचवा दिया। मामले की गूंज जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंची तो पुलिस की नींद टूटी। बीजेपी नेता खुद गोलीकांड का षड्यंत्रकारी निकला। पुलिस ने अब बीजेपी नेता और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं निर्दोषों को न्यायिक अभिरक्षा से बरी कराया है। दरअसल आपको बता दें कि 29 जुलाई को चंदौसी कोतवाली इलाके में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रेमपाल ने मोहल्ले के लोगों द्वारा गोली मार कर घायल करने की 112 को सूचना दी थी। पुलिस ने आनन फानन घायल बीजेपी नेता को इलाज को भेजा, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। एसपी ने भी मौके का मुआयना किया। पुलिस ने आनन फानन कार्रवाई कर मोहल्ले के ही 2 भाइयों समेत 3 लोगों को घटना में प्रयुक्त तमंचे एवं डंडे समेत गिरफ्तार कर फुटवर्क दर्शा दिया। इधर जेल गए 2 भाइयों की मां अधिकारियों को बताती रही कि उसके लड़कों समेत जेल भेजे गए 3 लोग निर्दोष हैं। आरोप के अनुसार पुलिस ने एक मां की नहीं सुनी। बाद में महिला ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से फरियाद की, तब पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। पुलिस ने केस की पुनर्विवेचना की तथा गोलीकांड का षड्यंत्रकारी बीजेपी नेता को माना। पुलिस ने घटना का दोबारा खुलासा करते हुए बताया कि बीजेपी नेता ने 2 कंपाउंडरों से कंधे में गोली फिट कराई, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बीजेपी नेता और 2 कंपाउंडरों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 1 आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है, वहीं पहले गिरफ्तार किए गए 3 निर्दोषों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से बरी भी कराया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन निर्दोषों से पुलिस ने डंडा और तमंचा बरामद किए वो कहां से आए। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि इस मामले की न्यायिक जांच हो तो पुलिस के कई अधिकारी कर्मचारियों की गर्दन फंस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हुकूमत एक्सप्रेस। थाना चंदौसी के मोहल्ला लोधियान के रहने वाले विक्रम सिंह द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर देते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उनके भाई प्रेमपाल जो बैजोई से चंदौसी की ओर आ रहे थे, उनको मोहल्ले के ही रहने वाले दिलीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सैनिक चौराहे के पास सुनसान स्थान पर एक गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल प्रेमपाल को अस्पताल सीएचसी ले जाया गया, जहां पर परीक्षण के उपरांत उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अपने बयान में प्रेमपाल द्वारा बताया गया वह बैजोई से अपने घर चंदौसी आ रहे थे। 27 जुलाई रात्रि 10 बजे दिलीप, हेमंत और श्यामलाल ने उनको जमीनी विवाद के चलते पीठ में गोली मारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद कराए गए 3 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय चालान कर प्रेषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमें गठित की गईं तथा सर्विलांस सेल को सफल अनावरण के लिए निर्देशित किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि घायल प्रेमपाल द्वारा ही षड्यंत्र रचते हुए अपने 2 अन्य साथियों राहुल और जयवीर के साथ मिलकर 2 कंपाउंडर हायर करके अपनी पीठ में गोली का निशान बनवा कर उसमें गोली प्लांट की गई। मामले की गंभीरता में नए तथ्य आए, इसके आधार पर माननीय न्यायालय से नामजद किए गए अभियुक्त दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा से मुक्त करवाया गया तथा नाम प्रकाश में आए षड्यंत्रकारी प्रेमपाल तथा राहुल और आमिर तथा शराफत की माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त की गई। अभियुक्त जयवीर को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है, लगातार दबिश दी जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, थाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।